जहाज समंदर में फंस गया है। यही हॉट न्यूज है। समंदर में जहाज कैसे फंस सकता है भाई? समंदर है, कोई नहर है, झील है। नहर में तो चलो समझ में आता है, गहराई भी नहीं होगी, चौड़ाई भी नहीं होगी इतनी, लेकिन झील में भी गहराई का मसला आ सकता है, चौड़ाई का तो नहीं होगा, तो समंदर में कैसे फंस सकता है? बहरहाल जब ये न्यूज़ मुझे पता लगी तो मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ, यार क्या ये मुमकिन है कि मैं इसको लाइव देख सकूं, बराए रास्त देख सकूं, किसी भी मैप्स पे या कोई और सो लाइव सोर्स हो? तो इससे मेरे अंदर तजस्स पैदा हुआ कि यार ये इशू क्या है। अब तक ये तो पता था मुझे कि ये कैनाल है, स्विस कैनाल, जो कि दो समंदरों को आपस में मिलाता है, उस तरफ मेडिट्रेनियन सी जो कि बहरे रूम है, और इस तरफ रेड सी जो कि बहरा अहमर है और इजिप्ट को ही स्प्लिट करता है। मैं उस तरह से समझाता, ये आप देखिए, ये इजिप्ट है, ये भी इजिप्ट है, ये मेडिट्रेनियन है, ये रेड सी है, ठीक है, ये स्विस कैनाल है, ये स्विस सिटी है, यहाँ पे पोर्ट सईद है, ये पोर्ट तौफीक है, ये मेडिट्रेनियन आप इस तरफ आ जाएं एथेंस तो ये यूरोप है, ये टर्की है, इजिप्ट के साथ इसराइल है, और आप ये रेड सी में नीचे आ जाएं तो सऊदी अरेबिया है। ये दोनों पोर्शन किसको अलग करते हैं? इधर एशिया और इधर अफ्रीका। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जो मेरा अक्सर मकसद है कि किस तरह मैं लाइव देख सकता हूँ, एक दफ़ा फिर ये मैप की तरफ आता हूँ कि ये जो इजिप्ट है, ये अफ्रीका, सूडान, ठीक है, ये स्विस सिटी, ये कायरो पोर्ट सईद के पास जो कि मेडिट्रेनियन को टच कर रहा है, ये जद्दा, ये एथेंस। एक दफ़ा फिर कि मैं दोबारा अपनी असल बात पे आऊँ कि किस तरह हम उसको लाइव देखें, थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड पे जाते हैं ना कि स्विस कैनाल एक आर्टिफिशियल कैनाल है, मैन मेड मसनूई, जो कि दोनों को कनेक्ट कर रही है, मेडिट्रेनियन को और इस तरफ रेड सी। अगर ये कैनाल ना हो, यहाँ से नीचे पूरा घूम के यहाँ आना पड़ेगा यूरोप के लिए। ये जो स्विस कैनाल है ये 120 माइल्स लंबा है और तकरीबन मैक्सिमम जो है 300 मीटर तक चौड़ा है, जो कि ये चौड़ाई 2015 में की गई थी ताकि एक साथ शिप आ जा सके। पहले ये एक तरफ यूज़ होता था, इनमें तकरीबन 50 के करीब जहाज औसतन गुजरते हैं। अब हम ज़रा ऑनलाइन देखते हैं तो हमें पता लगता है CNN की वेबसाइट पे टॉप पे मौजूद है ना, BBC पे भी तकरीबन टॉप पे ही मौजूद है, क्योंकि वो म्यांमार में जो है कुछ पॉलिटिकल सूरत हाल ऐसी हुई हुई है। RT पे भी मेन पेज पे थोड़ा सा नीचे जो है शिप का मसला मौजूद है। TRT पे भी मेन पेज पे अगर आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं, इसमें भी टॉप न्यूज़ हुई म्यांमार वाली है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रही है, नीचे पेश की है। CGTN पे आ जाएं, CGTN स्काई न्यूज़ पे आ जाएं, स्काई न्यूज़ मेरे पास थोड़ा सा अटक गया है, पता नहीं क्यों। DW पे आ जाए, इस पर भी तकरीबन टॉप पे मौजूद है। फिर मेरी दूसरे घर की मोबाइल मुझे CP24 पे ले जाती है टोरंटो में, यहाँ तो मेन पेज पे ये अवेलेबल नहीं है। स्टार पे चला जाता हूँ, टोरंटो स्टार पे जो कि मशहूर अखबार है वहाँ पे, इस पे भी कहीं मौजूद नहीं है। मेरे ख्याल में आप ग्लोबल पे जाएंगे तो वहाँ मिल जाए आपको, वैसे मौजूद नहीं है। तो फिर मैंने स्विच किया द ग्लोब एंड मेल पे, उसमें अगर हम
वर्ल्ड वाले हिस्से पे चले जाएँ, वर्ल्ड न्यूज़ पे, तो वहाँ पे ये खबर मौजूद है। ये स्विस कैनाल ना हो तो हमें पूरा रेड सी ऑल दी वे अफ्रीका, इरिटेरिया, जिबूती, सोमालिया, तंजानिया, डोमिनिक रिपब्लिक, सब कुछ घूमते हुए पीछे से आना पड़ेगा। एक दफ़ा फिर अगर हम स्काई न्यूज़ पे आ जाएँ तो स्काई ने भी तकरीबन जो है मेन पेज पे TRT पे आ जाते हैं, जो उसने YouTube पे शेयर किया है, तो उनके मुताबिक हाई क्वालिटी इमेज GOKTURK-1 सेटेलाइट ने शिप कर लिया है, जो कि इस वक्त स्क्रीन पे। GOKTURK-1 से मुझे कुरुज़ उस्मान, जो कि इस वक्त बड़ी मशहूर पॉपुलर सीरीज़ है, गोकतू जो उसका आल्प है, उसका सिपाही है, इस्टेब्लिशमेंट उस्मान या कुरुज़ उस्मान की उस्मान, जो कि उससे पहले मंगोलों के पास होता था और कोंगार कहलाता था। ये अल जज़ीरा ने इमेज शो किया है कि किस तरह जो है दोनों तरफ जो है शिप्स प्लॉट हो रहे हैं। मैप्स पे आ जाए, मैप्स पे हम देखें कि अगर ये इजिप्ट के साथ ये स्विस कैनाल ना हो, ये इतने से सफ़ेद हिस्से में ये 120 माइल और 300 मीटर चौड़ी है, तो इनको पूरा घूम के आना पड़ेगा, जो कि ये 9000 किलोमीटर से ज़्यादा बनता है, और इसमें कहते हैं कि 8 से 10 दिन लगते हैं, यानी ये पूरा सोमालिया, मोजम्बिक, साउथ अफ्रीका, नमीबिया, गनी, मोरतानिया, मोरक्को, पुर्तगाल के साथ अंदर दाखिल होगा। तो ये यहाँ से पूरा राउंड और फिर यूरोप में, इस रूट से दुनिया की 5वां हिस्सा या 20% ट्रेड होती है, और यूरोप का 1/3 गैसोलीन है, जो गाड़ियों में या फ्यूल इस्तेमाल होता है मिडल ईस्ट वाला, वो इस रास्ते से जाता है। अगर हम इसको वापस जूम इन करें कैनाल पे, ये देखें वो स्वेज़ है, जो इस वक्त कहलाती, इधर कहलाती पोर्ट टॉफी, और इधर जो ब्राइट हुआ पोर्ट सैन। अगर हम इसको और ज़्यादा जूम इन करें तो यहाँ पे एक पोलियो के नाम से एक रोड नज़र आता है, जो कि गूगल मैप्स पे 25 जुलाई 2020 का मेरे ख्याल में लास्ट अपडेटेड है। हम और करीब जाते हैं अभी तक उस रोड, अब नाम नज़र आ गया। जहाँ ये रोड पानी के करीब आ रहा है, यहाँ पे कहिए जहाज़ फंसा हुआ है, पानी के करीब आया बिल्कुल, और फिर थोड़ा सा दूर निकल गया, पहले थोड़ा सा दूर था। तो अब RT न्यूज़ ने तो यहाँ तक खबर लगाई है, ब्राज़ीलियन जो दुनिया का सबसे बड़ा वुड पल्प सप्लायर है, दुनिया का 1/3 वुड पल्प वो सप्लाई करता है, बल्कि शायद 2/3, उसने खदशा जाहिर किया है कि इस क्लॉगिंग की वजह से कंटेनर क्योंकि फंस जाएंगे, जो जा रहा वहाँ लेके नहीं जा सकता, वो फ्री होगा तो मज़ीद कोई यूज़ करेगा, क्योंकि जब से दुनिया में 2020 में सूरत हाल चली थी, ये पहले ही क्लॉग्ड है बुरी तरह से, बहुत कमी है कंटेनर्स की, तो ये कंटेनर्स कम होंगे, और उसके मुताबिक दुनिया में RT के मुताबिक सोर्स वो ब्राज़ीलियन कंपनी, एक दफ़ा फिर टॉयलेट पेपर की, टिश्यू पेपर की बहुत शॉर्टेज होने वाली है। बहरहाल ये स्विस कैनाल क्या है, इसके क्या नतीजे होंगे दुनिया की मईशत पे, दुनिया में जो कारोबार होता है उस पर, वो एक अलग टॉपिक है, जिसमें मैं बहुत बहुत ही जल्द विद इन अ डे एक और वीडियो बनाने वाला। इस वक्त मेरा मकसद है इसको लाइव देखना, इससे पहले हम आगे बढ़ें। UR के साथ आप देख रहे हैं एक्टिविटी। स्विस कैनाल की मुझे जो एक चीज़ बहुत पसंद आई है वो ये है कि इसका एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, जो कि कहलाता है कन्वेंशन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल, यानी कि कन्वेंशन कॉन्स्टेंटिनोपल का, जिसके मुताबिक जंग हो या अमन हो, इस रूट को, इस कनेक्टिंग लेन को, पाथ को, दुनिया का कोई भी शिप कैरियर इस्तेमाल कर सकता है किसी पाबंदी के बगैर। इस की वजह से जो शिपिंग कॉस्ट बढ़ेंगी प्रोडक्ट की, यकीनन कॉस्ट बढ़ेगी, किसी चीज़ का एक पार्ट इनपुट का बढ़ता है तो टोटल कॉस्ट पे तो अफेक्ट आता है, और याद रखें वो अफेक्ट या इम्पैक्ट जैसे 2 रुपये बढ़े हैं तो 2 रुपये ही नहीं आता,
ये कोई मल्टीप्लायर के साथ उनका फैक्ट होता है, 2.5 रुपये 3 रुपये। ऑलरेडी जब से दुनिया में प्रॉब्लम चली है जनवरी 2020 से, दुनिया में 2.5 गुना यानी 1 रुपये के 2.5 रुपये, कहीं 4 रुपये और 7 रुपये तक शिपिंग कॉस्ट हो चुकी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं उस वेबसाइट की तरफ जहाँ से हम इस शिप को नियर लाइव देख सकते हैं। मुझे पता है कि शायद मेरी बात सुन के आपको भी क्यूरियोसिटी तजस्सुस हो गया, हाँ यार कैसे हम गूगल मैप्स पे, maps.me पे, वेज जो नॉर्थ अमेरिका में है, या किसी भी मैप पे, या उसकी मैप की कोई ऐप हो, हम इसको लाइव देख सकते हैं। लेकिन एक होता ना हकीकत का अदराक, यानी मतलब मिसाल ये है कि जो बंदा अमेरिका में, अमेरिका में बॉर्न नहीं हुआ है, वहाँ का प्रेसिडेंट नहीं हो सकता, ठीक है, इमिग्रेंट अमेरिका का नहीं हो सकता। अब मुझे पता है कि मैप्स पे आप फ्री नहीं देख सकते लाइव, लाइव या वर्चुअल लाइव, नियर लाइव, एक दो दिन का स्टिल इमेज, लाइव से बता दिए नहीं है कि आपको वीडियो चलती हुई नज़र आ रही है, तो वो कमर्शियल और पेड पर्पजेस के लिए होता है। बहरहाल मुझे एक वेबसाइट मिली है जिसका नाम है सोर, इस तरह वाला, जैसे कहते हैं ना दर्द होना है, सावर वाला नहीं, SOUR वाला नहीं, जिसके ऊपर जो है मुख्तलिफ सेटेलाइट्स के इमेज है, जो तकरीबन एक दिन, चंद घंटे, दो दिन पुराने हैं, वो मुझे ढूंढने में मैं कामयाब हो गया। अब मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। तो सोर के माने नज़र आते हैं कि हवा में इंजन या परों की मदद के बगैर मुअल्लक रहना, या इजाफे को कहते हैं इंक्रीज को, सोर जो दुखना मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है, और हम तो उसके माने खट्टे के होते हैं, तजाबियत वाला टेस्ट के होते हैं। तो अब हम आ जाते हैं साइट पे, दिखाएगी एक्चुअल इमेज, जैसे गूगल अर्थ है इस तरह यह सोर अर्थ है। अब अगर हम यहाँ पे अपने सोर वगैरह के टैब्स को क्लोज कर देते हैं, ये सोर वैसा है जैसे कहते हैं ना स्टॉक मार्केट इज सोरिंग, चीज़ बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है, ग्रो कर रही है, जब इसमें उर्दू के एक माने इजाफे के भी आते। सोर की वेबसाइट पे आए, जब हम इसकी वेबसाइट पर आएंगे तो हमें या हम मैप्स के थ्रू जा सकते हैं या हम सैटेलाइट के थ्रू जा सकते हैं। सोर आप जब खोलें तो ये मिडिल में जो तकरीबन जो पोजिशन दिखाता है वो इजिप्ट वगैरह का ही है, ठीक है ना, उसमें हम एक इजिप्ट का है, उस पर अगर हम क्लिक करें इस वक्त जो येलो हो गया, तो आप यहाँ पे देखें ये येलो हो गया, वहाँ पे जो फीचर मैप्स हैं उसमें एक मैप नज़र आ रहा है जिसमें शिप पास का बस, हम इसके बाद चले जाते हैं, तो ये मैं खुद ही क्लोज कर देगा, क्लोज लेके आ जाएगा, ये इमेज दिखा रहा है वहाँ का, ठीक है, ये बता रहा है कि 25 मार्च से वहाँ फंसा हुआ है, 25 मार्च ट्यूजडे के दिन तकरीबन मकामी वक्त के मुताबिक 7:40 पर वहाँ फंसा था। अब ये कॉन्फ्लिक्ट मैपर को इस पे सोर पे कॉन्फ्लिक्ट मैपर पे हम क्लिक करने आ रहा तो हम पहुँच जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, और हम इमेज के देखो ये हमें शिप फंसा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी हम कम या ज़्यादा करते हैं तो वो गायब हो जाएगा ना शिप, ये देखिए अब हल्का सा इमेज नज़र आ रहा है बीच में, ये जो दोनों तरफ ग्रे ग्रे एरिया बीच में ब्लैक है इसके अंदर, जब हम डार्क करेंगे तो ये तमाम लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि उनके मुताबिक ये ब्लैक एंड वाइट है ना, ये ठीक है ना। हम दोबारा भी आ सकते हैं सोर्स से, कॉन्फ्लिक्ट मैपर को हम क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, तो ये इमेज दिखा रहा है, जब इस येलो वाले पे जाएंगे तो वो फंसे हुए शिप का नहीं, बस लोग क्लिक कर देते हैं, खुद ही जूम करेगा, खुद ही इसने एरिया सेलेक्ट कर लिया, हम इसको क्लोज कर लेते हैं, करते रहते हैं जूम इन, तो ये वो शिप है
नज़र हंसा मैं। इसके मेरे पास वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि 100 रुपये 3 सेटेलाइट्स मैंने देखे जिसके अंदर इमेज दिखा रहा था नेचुरल कलर्स में। उसमें आपको जो है ट्रांसपेरेंसी वगैरह मेरे पहले इमेज में जो नज़र आएगी उसे कम या ज़्यादा करेंगे नज़र आएगा, बिल्कुल क्लियर देखना चाहेंगे नज़र नहीं आएगा। आप ये इस इमेज में देख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी मैंने बढ़ाई हुई है, तो ये शेप जो है वो इशारा है 23 पोलियो के पास ये शेप नज़र आ रहा है। ये एक और सेटेलाइट के इमेज से नज़र आ रहा है और ये एक और सेटेलाइट के इमेज से ब्लू नज़र आ रहा है। अब हम वापस अपनी वेबसाइट पर आ जाते हैं। सेटेलाइट्स पे हम लैंड सेट नीचे दिया हुआ है, स्काई मैप पेड है, बाकी कोई भी अभी अवेलेबल नहीं है। लैंड सेट पे 18-19 मार्च का नासा का इमेज अवेलेबल है, तो ये तो 25 मार्च को वाक्य हुआ है, 23 मार्च को वाक्य हुआ है, तो कैसे नज़र आ सकते हैं मतलूबा जगह पे जब पे स्विस के अंदर। और जूम कर लेते हैं और ड्रो एरिया ऑफ इंटरेस्ट कर लेते हैं। अब ये सेटेलाइट का वेट करेगा। 24 मार्च का इमेज जो मैंने इमेज आपसे शेयर की वो भी 24 मार्च की है, इसने डाउनलोड कर लिया। अब आप ये देखें इसमें ये यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आपको शेप, हम इसको ज़रा सेंटर अलाइन कर लेते हैं। ये है वो शेप जो कि इस चैनल में फंसा हुआ है। इसके बाद मुझे समझ में आया कि अच्छा भाई वो तो आने जाने का रास्ता शेप का, उसके बावजूद वो कैसे ब्लॉक हो गया। वो शेप आप थिकनेस देखिए मेरे ख्याल में ऐसे 3 शेप पास कर जाए, लेकिन क्योंकि वो क्रॉस में ऐसे, क्योंकि ये 400 मीटर लंबा कहते हैं एफिल टावर के तकरीबन बराबर 400 मीटर लंबा ये शेप, तो 300 मीटर एक चीज़ चौड़ी है उसमें 400 मीटर वाला क्रॉस में फंसेगा तो चैनल बंद ही होगा ना। इसी तरह अगर हम अपने मोबाइल पे आ जाएं तो इसमें भी लैंड सेट और सेंटिनियल के नज़र आ रहे हैं। सेंटिनियल में आप जा सकते हैं सेंटाइनल, सेंटिनियल नहीं है सेंटाइनल, सेंटाइनल टू नेचुरल कलर में जा सकते हैं, सेंटाइनल टू NDVI में जा सकते हैं आप, ठीक है। अगर हम फॉल्स कलर में जाने की कोशिश करते हैं सेंटाइनल में तो देखते हैं उसका क्या नतीजा निकलता है। इस पर भी 24 मार्च के इमेज अपडेट है, तो हम 24 मार्च में जाते हैं और देखते हैं कि हमारा मतलूबा मुझे नज़र आता है या नहीं नज़र आता। इसमें भी नज़र आ रहा है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी कम कर देंगे, ब्लू वाटर देखने की कोशिश करेंगे, गायब हो जाएगा, कंट्रास्ट में देखेंगे नज़र आ जाएगा। हम दोबारा बैक जाते हैं, सेंटाइनल टू जियोलॉजी में जाते हैं, बादल आप इसी तरह सेंटाइनल से ही इस जहाज को देख सकते हैं, लेकिन ये आप 24 मार्च तक का अपडेटेड है। सेंटाइनल वन ज़रा रडार में हम जाएं, देखते हैं ये क्या पकड़ता है। ये जो रडार वन है सेंटाइनल वन, ये 27 मार्च तक का अवेलेबल है। इसको हम देखते हैं कुछ दिखाने की कोशिश करता है नहीं करता है। ठीक है, वो इस तरह दिखा रहा है जो उसमें शिप्स फंसे हुए हैं ना उसको डाल कर दिखा रहा है, उसके करीब कोई टक बोट वगैरह भी नज़र आ रही है, तो ये भी सही है। तो इस तरह आप इस शिप को वर्चुअल लाइफ इमेज, वीडियो नहीं डायरेक्ट लाइव नहीं, आप देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी कोशिश पसंद आई होगी। हर दिन एक नई चीज़ इंसान सीखता है, एक नई चीज़ एक्सप्लोर करता है।